हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यूज सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में हम बात करने जा रहे हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, दैट इज CMS कन्वेंशन, इसे बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस व्हाट इज CMS एंड व्हाट इज द प्रोसीजर जो इसमें होता है, CMS में कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे हम माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनको सेव करते हैं। देन विल सी रैप्टर MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड देन COP 13 ऑफ दिस कन्वेंशन जो कि इंडिया में होती है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस CMS कन्वेंशन, दैट इज बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको। 10 न्यू स्पीसीज वर एडेड टू CMS अपेंडिसेस एट COP 13, जो इंडिया में COP 13 हुई थी उसमें 10 नई स्पीसीज को इंक्लूड किया गया था इसमें। दूसरा है 7 स्पीसीज वर एडेड टू अपेंडिक्स 1, इसमें 7 जो थी 10 में से वो अपेंडिक्स 1 में डाली गई थी। क्या है ये अपेंडिक्स 1 आपको समझ में आएगा अभी। एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बंगाल फ्लोरिकन, ये जो है तीनों इंडिया की तरफ से थी और ये तीनों अपेंडिक्स 1 में डाली गई, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आंसर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में और इसके वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये जो है क्या है, ये मतलब माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसे जो एनिमल्स या बर्ड्स या कोई भी ऐसा स्पीसी है दैट माइग्रेट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री या फिर और दूसरी कंट्रीज में, मतलब रेंज ऑफ कंट्रीज जो है उसमें वो मूव करती है, दे आर माइग्रेटरी स्पीसीज। तो बी इट चाहे वो एक्वाटिक हो, ठीक है, चाहे वो एवियन हो या चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, सारी जो स्पीसीज हैं वो इसमें कवर हुई हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, तीनों स्पीसीज के लिए। दिस इज द ओनली कन्वेंशन विच प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली स्पीसीज बट ऑल्सो देयर हैबिटेट, देयर माइग्रेशन रूट, इन सबको ये प्रोटेक्ट करती है। तो ध्यान रखना CMS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पूरा किस पाथ को वो फॉलो करती है स्पीसी, उस पूरे पाथ में उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे उसके हैबिटेट को सुरक्षित रखा जाए, दैट इज द एम ऑफ दिस कन्वेंशन, राइट। 1983 में कहीं ये आती है कन्वेंशन और इंडिया इसको वहीं पे ज्वाइन कर लेता है। अब ये जो कन्वेंशन है इसको जो सपोर्ट करता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है पूरी, वो है UNEP की, दैट आइडिया वॉज गिवन बाई दिस UNEP ओनली, ठीक है। एंड दिस इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, मतलब जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में एक ट्रीटी के तहत काम करते हैं। इसमें आपको अभी बताऊंगा मैं कैसे इसमें स्पीसीज काम करती हैं, कैसे स्पीसीज को कंजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वेंशन, राइट। इसके बाद हम बात करें अगर, तो ये ओनली कन्वेंशन है मैंने आपको बताया जो माइग्रेटरी स्पीसीज को भी कंजर्व करती है, उनके हैबिटेट एरिया प्लस उनके माइग्रेटरी जो रूट है उस सबको ये प्रोटेक्शन देती है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द कन्वेंशन विच हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ऑफ दिस UNEP, UNEP की ये कन्वेंशन हो जाती है। इसका जो आइडिया है वो मैंने आपको बताया, ओनली कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी इनको कंजर्वेशन देती है। इसके साथ ही इसमें तीनों तरह के, चाहे वो एवियन स्पीसीज हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, सभी कवर होती हैं, राइट। अब चलते हैं हम आगे, दैट इज काम कैसे करती है। सो रिमेंबर मैंने आपको साइट्स पढ़ाया था, उसमें तीन अपेंडिक्स थे, यहाँ पे दो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 आपको याद रखना है, चाहे किसी भी आप कन्वेंशन की बात करेंगे उसमें सिक्योरिटी ऑफ प्रोटेक्शन होगा, जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज हाई, ठीक है, हमेशा ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। अब जो स्पीसीज है, दोज स्पीसीज विच आर एग्जिस्टिंग देयर विद द थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस, जिनको एग्जिस्टेंस में ही उनका थ्रेट है, खत्म होने की संभावना है, उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं अंडर दिस अपेंडिक्स 1। यानी ऐसी स्पीसीज जिनका जो वेरी एग्जिस्टेंस खतरे में है वो आप यहाँ पे डालिए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड जो कंट्रीज हैं वो आपस में ऐसे एग्रीमेंट करती हैं कि हम जो है, चाहे वो माइग्रेटरी रूट में कोई भी कंट्री आ रही हो, वो कैसे इनको प्रोटेक्ट करेगी, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, ठीक है, वो नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द सेकेंड अपेंडिक्स जो 2 है, दैट सेज कि अगर कोई स्पीसी है दैट इज नॉट थ्रेटन्ड विद इट्स एक्सटेंशन, उसको अस्तित्व का खतरा नहीं है, थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन नहीं है, बट अगर उसको हम थोड़ा प्रोटेक्ट करें, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाएं, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस स्पीसी, राइट। तो उस स्पीसीज जो बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है उनको हम अपेंडिक्स 2 में डालते हैं, राइट। तो 1 में डालते हैं जिनको खतरा होता है एग्जिस्टेंस का, 2 में हम डालते हैं जिसको हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं विद अवर कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। जो कंट्रीज हैं, रेंज कंट्रीज हैं, वो अगर सब मिलकर काम करेंगी तो इन स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या
किसी स्पेसी को दोनों अपेंडिक्स में एक साथ डाला जा सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल. हम उसको थ्रेटन है तो भी, और प्लस उसमें कॉपरेशन चाहिए तो वो भी, दोनों में हम डाल सकते हैं. एंड किसी भी स्पेसी को इसमें ऐड करना और इसमें से निकालना, दैट इज द डिसीजन टेकन बाय द सीओपी. सीओपी जो होती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि कौन सी इसमें डालनी है अपेंडिक्स वन में, कौन सी अपेंडिक्स टू में डालनी है, विद साइंटिफिक डेटा एंड सपोर्ट कि भाई इसका एग्जिस्टेंस खतरे में है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्पीसीज थ्रेटन, तो इसको यहाँ डालिए, राइट. सो दिस इज अपेंडिक्स वन एंड टू. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज आर द टू अपेंडिक्स, बस दिस, दैट्स इट. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है क्या कन्वेंशन? तो ध्यान रखना, कन्वेंशंस जो होती हैं जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होती. दे आर द कन्वेंशंस, मतलब सपोज टू बी फॉलोड बाय द कंट्रीज, बट वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसके लिए फिर आपको एक चीज समझनी होगी, दैट इज कि ये जो है एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, मतलब जो एक फ्रेमवर्क जो आइडिया है वो आपको प्रोवाइड करेगी. नाउ देयर आर टू पार्ट्स. द वन इज कि जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर कुछ एग्रीमेंट करें या फिर कोई ट्रीटी करे, सो दैट एग्रीमेंट एंड ट्रीटी कैन बी लीगली बाइंडिंग. ठीक है, जो भी ग्लोबल ट्रीटी करे या रीजनल ट्रीटी करे, दैट मे हैव द लीगल बाइंडिंग नॉर्म्स हो सकते हैं, राइट. लेकिन अगर वो सिंपल चाहे तो मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वो साइन कर सकते हैं, एंड दैट वुड नॉट बी लीगली बाइंडिंग. तो ध्यान रखना, ये फ्रेमवर्क जो है, ये कन्वेंशन जो है, दैट प्रोवाइड्स द आइडिया कि कैसे काम करना है, बट इट इज अप टू द कंट्रीज कि वो एग्रीमेंट जो है लीगली बाइंडिंग बनाते हैं या फिर MOU साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होते, राइट. सो दिस इज द कन्वेंशन. अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू लीगली बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. कंडीशन है कि एग्रीमेंट है, दैट मे बी, इफ MOU इट वुड नॉट बी. ठीक है, ये नहीं होगा. ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट द कन्वेंशन, दिस कन्वेंशन. तो ये है इस कन्वेंशन के बारे में, आपको प्रोटेक्ट करना है उसकी पूरी रेंज में, राइट. अब इसी में एक आया था रैप्टर MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये आया था 2008 में, बट इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 2016 में. रैप्टर MOU क्या था? जो अफ्रीका है वहां से जो भी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है वो जाती हैं टूवर्ड्स दिस यूरेशिया, तो उस रूट में इंडिया के पास भी बहुत सारे बर्ड्स हैं वो वाले जो उस रूट को फॉलो करते हैं. नाउ इंडिया इज ऑल्सो द सिग्नेटरी ऑफ दिस रैप्टर MOU, मतलब इंडिया भी इनके कंजर्वेशन के लिए क्या करेगा, एफर्ट्स लगाएगा. दैट इज द MOU रैप्टर जो है वो है. तो ध्यान रखना, रैप्टर MOU जो है उसका इंडिया भी एक सिग्नेटरी है. इसके बाद लीगली बाइंडिंग होगा क्या? दैट इज MOU, तो लीगली बाइंडिंग नहीं है. ध्यान रखना, अफ्रीका एंड यूरेशिया जो रेंज है उसका है. इसके साथ इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी ऑफ दीज अदर MOUs, MOU ऑन साइबेरियन क्रेन, उसका भी पार्ट है, मरीन टर्टल, एंड स्पेशली दिस वन यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज डगोंग. तो डगोंग जो एनिमल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक मैमल है, मैंने आपको बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है ये अपने यहाँ पे, एंड इसके ऊपर भी हमने जो ये MOU है वो साइन कर रखा है. तो रिमेंबर, रैप्टर MOU इज द पार्ट ऑफ CMS, एंड CMS जो है वो पार्ट है किसका? UNEP का ही एक कंजर्वेशन एफर्ट है. सो दिस इज द MOU. ओके, अब हम चलते हैं हमारी 13 COP दैट वॉज हेल्ड इन इंडिया. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. गांधीनगर गुजरात में ये हमारी COP 13 होती है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, ये होती है. इसके बाद इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे वो देखते हैं, क्या इसकी फीचर्स थी. तो अगर आप देखेंगे, ये बर्ड दिख रहा होगा आपको, जो इसका मेन वो था, दैट इज द मस्कट. तो मस्कट जो था, दैट वॉज GB, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही शॉर्ट में लिखा है, दैट इज GB. ठीक है, सो दिस वन यू कैन से दैट्स वन. एंड ये जो लोगो है, ये जो इंस्पायर हुआ था, दैट वॉज कोलाम आर्ट. साउथ इंडियन आर्ट है कोलाम, उसमें ऐसे कई तरह के बर्ड्स बनाए जाते हैं. तो कोलाम आर्ट जो है उसी से हमारा जो ये लोगो है वो इंस्पायर हुआ था. मस्कट मैंने आपको बताया GB था. थीम आप देख सकते हो, दैट इज माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम. दिस वॉज द थीम, आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. 13 COP थी, ध्यान रखना. इसके बाद ये सबसे लार्जेस्ट एवर मीटिंग थी अभी तक की जो CMS की हुई है, सबसे बड़ी मीटिंग थी. ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें पहली बार फर्स्ट स्टेटस ऑफ रिपोर्ट ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स जो थी वो यहाँ पे आती है. माइग्रेटरी बर्ड्स पे इन्होंने पहली बार रिपोर्ट रखी, जिसमें बताया कि मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज हैं इंक्लूडेड इन आर CMS वो अभी डिक्लाइनिंग की तरफ हैं, डिक्लाइन हो रहा है उनका नंबर्स में, ये इसमें रिपोर्ट में था. इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इट वॉज द फर्स्ट एवर मीटिंग जिसमें नेशन जो है उसके हेड ने इनोग्रेट किया, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया, दैट वॉज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस COP. इसके साथ ही यहाँ पे
जो CMS के चैंपियंस हैं उनको डिक्लेयर किया गया, ऐसे 7 जो चैंपियंस थे माइग्रेटरी चैंपियंस, उसमें इंडिया भी शामिल है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी इस कन्वेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन वॉज, आपको आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे कौन से करेक्ट हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज 10 न्यू स्पीसीज वर एडेड इन COP 13, तो यस दैट इज ट्रू, आपको याद रखना है ये, उसमें आप नोट कर लेना, 10 नई स्पीसीज को इसमें इंक्लूड किया गया था जिनका कंजर्वेशन होगा, माइग्रेटरी एनिमल्स थे, माइग्रेटरी स्पीसीज थी, 7 स्पीसीज जो थी वो डाली गई थी अपेंडिक्स 1 में, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, 7 इन अपेंडिक्स 1 एंड जो बाकी 3 थी, रेस्ट ऑफ 3 वर एडेड इन अपेंडिक्स 2, ठीक है। इसके साथ इंडिया की तरफ से कौन कौन थे, दैट वॉज एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड दिस बंगाल फ्लोरिकन, दे वर द स्पीसीज एडेड बाई इंडिया एंड ये सभी अपेंडिक्स 1 में थी, तो ध्यान रखना तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आप अपनी नॉलेज में इन सबको एड कर सकते हैं, राइट। 10 न्यू स्पीसीज, 7 इन अपेंडिक्स 1, 3 इन अपेंडिक्स 2, 3 स्पीसीज सजेस्टेड बाई इंडिया और इंडियन स्पीसीज जो है वो डाली गई अपेंडिक्स 1 में, यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगा, अब उन पे बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी काम करेंगी, राइट। सो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, वन आपको फाइंड आउट करना था, ऑल सॉरी दिस इज नॉट द नन, दैट शुड बी ऑल ऑफ द अबव, द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.